हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। हाँ जी, आज हम चले हैं टूर पे। हम दिल्ली से निकले हैं, आज हम अलवर जा रहे हैं, तिजारा फोर्ट पैलेस। वीकेंड है, वीकेंड एंजॉय करने जा रहे हैं। सैटरडे संडे हम वहीं स्पेंड करेंगे। वीकेंड स्पेशल ट्रिप है ये। यहाँ अलवर जो हमारा है, यहाँ से दिल्ली से पहले मास्क पहन ले यार, रिस्क है आजकल बड़ा। मास्क के बिना ना थोड़ा पंगा हो रहा था। तो अभी हम निकले हैं घर से, अपने अभी एरिया में घूम रहे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं। तो हम यहाँ से पहले, हमारा जो अलवर का जो डिस्टेंस रहता है 117 किलोमीटर का है दिल्ली का, लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। 2.5 से 3 घंटे में आराम से गाड़ी लग जाएगी। उसके बाद हम आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तिजारा फोर्ट वैसे बेसिकली निर्माणा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, पार्टी फंक्शन होगी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो, बेस्ट प्लेस है। वहाँ से आपको हिल स्टेशन का नज़ारा लेना वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा भी आपको बेहतरीन खूबसूरती का नज़ारा वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू करो, तब तक हम मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, जैसे कि अब हम इस टाइम पे निर्माणा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है हमारा, वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक किले का थोड़ा सा दूर से व्यू दिखा रहे हैं। ये बस यहाँ से अब थोड़ी दूर से किले की एंट्री का गेट भी दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, गेट आ गया है, ये हमारा एंट्री है। यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, और यहाँ से आप देखिए थोड़ा बाहर का दूर का नज़ारा नीचे का, क्योंकि जो हमारा जो फोर्ट है ना, ये काफ़ी हाइट पर है। ये थोड़ा अंदर से व्यू है, ये किले की जो हमारे फोर्ट की दीवारें हैं, और ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर हमारा क्रॉस करती है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना रिसेप्शन पड़ता है। रिसेप्शन जो डेस्क है वो इसका 24 आवर ओपन रहता है। और ये कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद थोड़ा गार्डन का बाहर का व्यू है। तो दोस्तों, बेसिकली जो निर्माणा फोर्ट है वो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, पार्टीज होगी, या वीकेंड स्पेंड करना है किसी को, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आप व्यू देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका व्यू आ रहा है। ये सारा कॉरिडोर है, ये बना हुआ है, रिसेप्शन लॉबी वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे ये रूम्स हैं। ये अब हम कॉरिडोर क्रॉस करके यहाँ से हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। अब हम आपको अपने रूम का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये हम आ गए हैं अपने गेट पे, अंदर हमने एंटर करा। ये हमारा रूम है, ये अंदर दोस्तों। इस यहाँ के जो रूम है वो इतने ज़्यादा साफ़ मिलेंगे आपको, आपको मिट्टी नहीं मिलेगी इस रूम में, या कुछ भी डस्ट जो पार्टिकल होता है वो नहीं मिलेगा। आप अपना माइक्रोस्कोप लगा के भी अगर ढूंढोगे ना, तब भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखो, आप खिड़की के बाहर से नज़ारा देखो, ये हमने खिड़की खोल ली है। ये यहाँ से नीचे का नज़ारा देख सकते हैं आप। दोस्तों, वैसे तो हम यहाँ पे वीकेंड स्पेंड करने आए थे, अपना सैटरडे संडे था, तो हमने सोचा वीकेंड स्पेंड करने यहाँ पे चलते हैं। इसके अलावा वैसे भी ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ शूट वगैरह के लिए। तो दोस्तों, इधर हमने प्लान तो काफ़ी कुछ किया था कि हम आपको इस वीडियो में फूड ब्लॉगिंग वगैरह, राजस्थान का खाना वगैरह, ये सब काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे, बट थोड़ा हम उस अकॉर्डिंग चल नहीं पाए। थोड़ा हमारा शेड्यूल थोड़ा ऐसा था, कुछ हम लास्ट फ्राइडे नाइट के थके हुए बहुत थे कि कार में मैं सो गया, तो उस कारण हम सीधा डेस्टिनेशन पे जाके रुके, तो हम आपको ढंग से फूड ब्लॉगिंग वगैरह दिखा नहीं पाए। लेकिन हमारी अगली वीडियो में आपको फूड ब्लॉगिंग और थोड़ा अच्छे से भी और कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए और अपना बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, शब्बा केयर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।